इसका जो कंपाउंड की नेमिंग करें वो है LICL। इसके पीछे पूरी कहानी क्या होती है वो देखिए। जब भी नेमिंग करते समय आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है, देखिए इसका नाम क्या होगा। देखिए सबसे जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन जो ये कंपाउंड बना, इनके जो एलिमेंट है क्या, इनके नाम पता आपको? चलिए बताता हूँ मैं। Li को बोलते हैं लिथियम, जो Cl लिखा है ऐसे बोलते हैं क्लोरीन लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब ये तो पता चल गया कि ये कंपाउंड जो दो एलिमेंट से बना है, एक है लिथियम एक है क्लोरीन। इसके बाद क्या होता है, वो होता है आयन। आयन क्या होता है, पॉजिटिव एंड माइनस में एक नंबर होता है। लिथियम की जो वैल्यू होती है प्लस की वन होती है, इसकी जो सीएल होती है वो क्या होती है, माइनस की वन होती है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, LiCl बन गया। अब आप सोच रहे हैं प्लस माइनस का यूज नहीं किया, ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि प्लस माइनस का यूज नहीं किया जाता है, केवल आपका नंबर यूज किया जाता है। नंबर क्या आएगा, वन वन आएगा। तो क्या किया गया इसमें, वन वन तो लिखेंगे नहीं हम लोग क्योंकि आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या, LiCl। तो उसका नाम जो आएगा लिथियम। अब जो Cl केस में क्या होता है कि यहाँ पर आई एन ई हट कर क्या आता है, आई डी ई आ जाता है, ये होता है आपका क्लोराइड आ जाता है। जो ये फॉर्मूला बना तो क्या बना, लिथियम क्लोराइड बना। तो ये होता है पूरा एक कॉन्सेप्ट किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आयन। अगर आयन आपको बहुत अच्छे से नहीं पता है, इसका वीडियोस पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, आकर ढूंढेंगे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे मिल जाएगा। देखो देन जो फिर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के जो फॉर्मूला बनता है देन फिर क्या होता है, नेमिंग होती है। बट आपको इतना ये सब कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कोई पूछेगा तो आप बताइए इसको लिथियम क्लोराइड बोलते हैं, बट उसके पीछे पूरी जो लॉजिक कहानी है वो मैंने पूरी बताई है। इस कॉन्सेप्ट से आप तो ये तो सीखेंगे, साथ में आप जो हज़ारों फॉर्मूले हैं वो भी आप सीख सकते हैं, बट उसके जमकर प्रैक्टिस कीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर केमिकल फॉर्मूले टाइम से बनी हुई है, तो आप एक एक करके आप डेली देखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।